यौवन यौवन तो सावन की झरती फुहार है, जो या में नाए भीजेंगे वे चैन नाए पाएंगे। बहुत बढ़िया। यौवन तो सावन की झरती फुहार है, जो या में नाए भीजेंगे वे चैन नाए पाएंगे। और घुमड़ी घटाने में जो डूब के नहाए नाए, जन्म वे मानुष को वृथा गमाएंगे। घुमड़ी घटाने में जो डूब के नहाए नाए, जन्म वे मानुष को वृथा गमाएंगे। बोली बोली पनहारनी जो एक गैल के चले, बोलो गीले पंथ पे रपट कैसे जाएंगे। बोली पनहारनी जो एक गैल के चले, बोलो गीले पंथ पे रपट कैसे जाएंगे। माना नौ दिन में हम अढ़ाई कोस जाएंगे, माना नौ दिन में हम अढ़ाई कोस जाएंगे। पे कोलू के तो बैल मही चक्कर लगाएंगे, कोलू के तो बैल मही चक्कर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय शिव सागर सर। मैंने आज न पनघट रहे न पनिहारन रही, नई पीढ़ी ने तो पनघट देखे भी नहीं, तो इस कविता में की सार्थकता इसलिए भी है कि अब पनघट नहीं है, ये कविता है, तो पता पड़ेगा कि हम हमारे संस्कार हमारी संस्कृति क्या थी। निवेदन कियो है, स्वागत है। एक पनिहारन पानी भर रही है, पथिक प्यासो है माने कही पानी पीवे के लिए मांगो, पनिहारन मना कर देते वहीं पथिक व्यंग कर, तो व्यंग में मुहावरों का प्रयोग है। निवेदन कियो एक मुहावरो है, रस्सी जल जाती है पर ऐठ नहीं जाती, जाको प्रयोग देखें। गागरे है भारी, पथिक पूछ रहा हो पनिहारन ते, गागरे है भारी पानी खेच बे तिहारी, तू अकेली पनहारी बोल कौन ग्राम जावेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है भारी पानी खेच बे तिहारी, तू अकेली पनहारी बोल कौन ग्राम जावेगी। मैंने कही थक कर चूर है तू, ला में रसरी की करूं घरी, कुछ विराम तो तू पावेगी। मैंने कही थक कर चूर है तू, ला में रसरी की करो घरी, कछ विराम तो तू पावेगी। बोली बोली जब खेच चुकी सोले घट जीवन के, बोली जब खेच चुकी सोले घट जीवन के, आठ हाथ रसरी पे कैसे थक जावेगी। बहुत बढ़िया। बोली जब खेच चुकी सोले घट जीवन के, आठ हाथ रसरी पे कैसे थक जावेगी। मैंने कही रसरी की सोबत में पड़ी गई है, जरी चाय जावेगी पे ऐठ नाए जावेगी। शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। एक प्रयोग और सुन ले रवि जी, जी निवेदन कियो है। अधजल गागर छलकत जाए, पथिक ने पीवे के लिए पानी मांगो, पनिहारन स्वाभिमानी माने मना कर दियो, तो पथिक ने व्यंग कियो है। घाम के सताए भय दूर ते हैं आए भय, घाट पे बटोही को तो धीर तो बंधावेगी। घाम के सताए भय दूर ते हैं आए भय, घाट पे बटोही को तो धीर तो बंधावेगी। चातक सी प्यास लें जीवन की आस लें, आशाए तू एक लोटा पानी तो पियावेगी। चातक सी प्यास लें जीवन की आस लें, आशाए तू एक लोटा पानी तो पियावेगी। बोली बोली ऋतु पावस में स्वाति बूंद पियो, जे पसीने की कमाई है नो लुटाई जावेगी। बोली ऋतु पावस में स्वाति बूंद पियो, जे पसीने की कमाई है नो लुटाई जावेगी। मैंने कही पानी वारी होती तो पियाई देती, अध जल गागरी है छलकत जावेगी। वाह वाह वाह, अच्छो है। तो एक बहुत और सुन ले जी, स्वागत है। मुहावरा बड़ा ही प्रसिद्ध है। हाँ जी, हाँ हाँ, वही पढ़ रहा हूँ। ये भी कह रहे हैं जिद्दी जिद्दी जी, कोई समर्पित है, अखिल भारतीय स्तर के कवि हैं, जिद्दी की जिद है, और मुहावरा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, चुल्लू और पानी में डूब मरना। स्वागत है, स्वागत है, है। देखिए पथिक पथिक को पीवे के लिए पानी ना मिल रहा,
नहावे के लिए मांगो है तो पनिहारी ने व्यंग करो है निवेदन कियो है हारे थके राहगीर ने कही नहाए वे कु तेरे पास होगो कहा एक डोल पानी है। हारे थके राहगीर ने कही नहाए वे कु तेरे पास होगो कहा एक डोल पानी है। मार्ग की थकान ते भये है चूर चूर हमें दूर ते बता दे कहाँ कहाँ मिले पानी है। बहुत बढ़िया। मार्ग की थकान ते भये है चूर चूर हमें दूर ते बता दे कहाँ कहाँ मिले पानी है। बोली बोली घट में है पानी घूंघट में पानी भीगी लट में है पानी जहाँ देखो महा पानी है। बोली घट में है पानी घूंघट में पानी भीगी लट में पानी जहाँ देखो महा पानी है। पानी तो है लेकिन नहाए वे के लय नहाए डूबे मरे वे के लय चिल्लू पानी है। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा प्रयोग है। अच्छा एक प्रयोग और सुन ले। जी जी स्वागत है। पथिक ने का जवाब दो हम तो तेरे रूप के दीवाने हैं पुराने तू न माने तो बता दे तुझे कैसे समझाएं हम तो तेरे रूप के दीवाने हैं पुराने तू न माने तो बता दे तुझे कैसे समझाएं हम। ओ कह दे गोरी एक बार प्यार ते तू कह दे तेरी सांसों की चढ़ी भई नदी में कूद जाएं हम। कह दे गोरी एक बार प्यार ते तू कह दे तेरी सांसों की चढ़ी भई नदी में कूद जाए हम। तेरी इन शोक नजरों ते मारे गए हम बोल गोरी तुझे छोड़ो अब कहाँ जाए हम। चुल्लू भर तो पानी में समाएगो नहीं ये तन दो नयन के नीर में कहो तो डूब जाए हम। वाह 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 अच्छो है तो एक बार ये स्वागत है स्वागत है स्वागत है तालियों तालियों से स्वागत कीजिए शिव सागर जी को। एक प्रयोग हो नौ दिन चले अढ़ाई कोस पथिक प्रयास कर रहा है गागर ले चलने के पनिहारन गागर दे नहीं रही तो पथिक को प्रयास देकर बृजू जी महाराज यौवन के भारते भई है मंद मंद चाल पतली कमर पे गगर कैसे जाएगी। बहुत बढ़िया। यौवन के भारते भई है मंद मंद चाल पतली कमर पे गगर कैसे जाएगी। ओ पानी के छलक के वेते भींज साड़ी भारी भई गीले गीले पंथ पे रपट कहूं जाएगी। बहुत बढ़िया। पानी के छलक के वेते भींज साड़ी भारी भई गीले गीले पंथ पर रपट कहूं जाएगी। बोली बोली अब तक हूँ 18 कोसलो चली हूँ गागर के संग में 20 कोस जाएगी। बोली अब तक हूँ 18 कोसलो चली हूँ गागर के संग में 20 कोस जाएगी। मैंने कही पनहारी तू तो गजगामिनी है नौ दिन चलेगी तो अढ़ाई कोस जाएगी। बहुत बढ़िया बढ़िया है। तो रवि जी आखिर में एक प्रयोग और। जी तो स्वागत है। रविंद्र शर्मा रवि को ही समर्पित कर रहा हूँ। जी आभार आपका। आज के संयोजक हैं लिफाफा इन्हीं से मिलना है और इनको बहुत चीजें सहनी पड़ती नहीं लिफाफा मिले तो सुनना पड़ता है लिफाफे में कम पैसे हो तो सुनना पड़ता है चाय न मिले तो सुनना पड़ता है और खाली लिफाफा हो तो सुनना पड़ता है तो सुनना ही पड़ता है। इन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ। मुहावरा है कोलू का बैल होना। जी निवेदन की हो है। जी, जी,